जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भर्तियों 2019 के बारे में, एक एग्ज़ाम डेट के बारे में अपडेट। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली मैंने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से जुड़ी हुई सभी वीडियो के बारे में आपको जानकारी दी है और उन्हीं वीडियो के ऊपर आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर ये बताइए कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा इन सभी पोस्ट का। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, वैसे तो YouTube के ऊपर आप बहुत सारी वीडियो देख पाओगे जिसमें कि एग्ज़ाम डेट के बारे में बताया है, पर उन लोगों ने व्यूज पाने के लिए कुछ भी एग्ज़ाम डेट वहां पर बताई है। पर जो मैं अभी आपको इस वीडियो के अंदर एग्ज़ाम डेट बताने वाला हूं, जो कि ऑफिशियल है और जो कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से एकमात्र निकाली गई है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों अगर आपने जिसमें मैंने आपको भर्ती के बारे में जानकारी दी थी वो वीडियो पूरी देखी है तो मैंने उन वीडियो के अंदर भी आपको एग्ज़ाम डेट के बारे में बताया है। यहाँ पर मैंने दोस्तों इस वीडियो के अंदर सभी भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन किए हुए हैं, तो उन सभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर ही एक ऑप्शन है 2.3A का, जिसमें एग्जामिनेशन शेड्यूल के बारे में जानकारी है और यहीं पर आपको एग्ज़ाम डेट देखने को मिलेगी। मैं बताता हूं आपको कि क्या जानकारी यहां पर दी गई है। दी एग्जामिनेशन एदर ऑनलाइन CBT और OMR बेस्ड, यानी कि ये एग्ज़ाम या तो ऑनलाइन होगा जिसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं या फिर OMR बेस्ड, और जो किस डेट को होगा वो इन्होंने यहां पर दिया है 13 जुलाई 2019 से लेकर 18 अगस्त 2019। दोस्तों हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने सभी नोटिफिकेशन के अंदर सिर्फ ये एकमात्र डेट दी गई है जो कि है 13 जुलाई से लेकर 18 अगस्त 2019। अब 13 जुलाई को तो एग्ज़ाम होना संभव नहीं है क्योंकि अभी जो ऑनलाइन फॉर्म निकाले गए हैं उनकी डेट बढ़ा करके 13 जुलाई 14 जुलाई कर दी गई है, तो 20 जुलाई तक भी डेट बढ़ा दी गई है, तो वहाँ तक तो आपका संभव नहीं है कि आप एग्ज़ाम दे पाओ। पर जो अगली डेट है 18 अगस्त 2019, तो यहाँ पर जो डेट दी गई है इसका मतलब भी यही है कि 13 जुलाई से लेकर 18 अगस्त 2019 के बीच होगा, तो यहाँ पर आपका चांस बनता है कि 18 अगस्त 2019 से पहले आपका एग्ज़ाम हो सकता है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो इस महीने में आपका 18 अगस्त 2019 को एग्ज़ाम भी होना संभव नहीं है क्योंकि 20 जुलाई तक कुछ फॉर्म की डेट बढ़ा दी गई है, तो डेट बढ़ाने के बाद कम से कम 10-15 दिन का वक्त हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लेगा उनको चेक करने में कि किसने फॉर्म के अंदर मिस्टेक की है और किसने नहीं की है। उसके बाद फिर वो एडमिट कार्ड जारी करेंगे और एडमिट कार्ड जारी करने के बाद कम से कम आपको 1 से 2 हफ्ते का समय भी देंगे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए। तो अगर मान लीजिए 20 जुलाई को आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है फॉर्म फिलअप का, उसके बाद 10 दिन का वक्त लेते हैं वो, और उसके बाद में अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर देते हैं, तो उस अवस्था में जाकर के ये संभव हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम 18 अगस्त से शुरू होकर आगे जो आपका अगस्त के जो बाकी के दिन बच जाते हैं 18 अगस्त के बाद, उन दिनों में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। और एडमिट कार्ड के आपकी आने की संभावना भी यही है कि जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वो अगस्त के फर्स्ट या फिर सेकंड वीक में ही आएगा। ये जो 18 अगस्त 2019 एग्ज़ाम डेट है इन्होंने यहाँ पर दिया गया है, द डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन विल बी एज पर एडमिट कार्ड, यानी कि जो टाइम होगा एग्ज़ाम किस दिन होगा किस डेट में होगा और प्लेस क्या रहेगा, ये जानकारी आपको एडमिट कार्ड के ऊपर मेंशन मिलेगी। ये बताने के बाद भी दोस्तों इन्होंने यहाँ पर दिया गया हॉवर HSSC रिजर्व द राइट टू रिशेड्यूल चेंज द अबोव शेड्यूल ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स और अदरवाइज, यानी कि ये सब बताने के बाद भी ये अधिकार हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अपने पास रखता है कि वो कभी भी इस डिटेल को चेंज कर सकते हैं। अभी जो आप नोटिफिकेशन देख पा रहे हो ये कनाल पटवारी का है, इसमें भी सेम डेट यहाँ पर दी गई है। अगला जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये ग्राम सचिव का है, इसमें भी सेम डेट यहाँ पर यही दी गई है। और अगला जो नोटिफिकेशन है ये है कलर का, इसमें डेट में थोड़ा चेंजेस है, जो इसमें शुरुआती तिथि है वो 22 जुलाई करके रखी है, पहली में 13 जुलाई थी और जो अंतिम तिथि है एग्ज़ाम होने तक की वो 18 अगस्त 2019 यहाँ पर इन्होंने रखी गई है। और जो अगला नोटिफिकेशन है ये आपका जूनियर इंजीनियर का है, ये भी 13 जुलाई से 18 अगस्त 2019 के बीच ही यहाँ पर भी जानकारी दी गई है। तो दोस्तों मैंने आपको जो ऑफिशियल जानकारी है वही इस वीडियो के अंदर बताई है, मैंने अपनी तरफ से कोई आपको पॉलिश करके नहीं बताया है क्योंकि कुछ लोगों ने वीडियो बनाई हुई है व्यूज पाने के लिए। एक है, मैं चैनल का नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर वो हरियाणा से ही है, उन लोगों ने बस जितनी भी वीडियो आप उनके चैनल के ऊपर देखोगे जब से हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्ती निकाली गई है सब इसी के बारे में है, सब में वो एक टाइटल डालते हैं HSSC ने ये कर दिया HSSC ने ये कर दिया, जिसमें कि HSSC ने ये भर्ती के निकालने के बाद कुछ भी नहीं किया है।
उसके बाद उन्होंने कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला, बस वो उन्हीं को पॉलिश कर करके अपनी बातें उसमें ऐड कर करके आपको बता रहे, और आप उनको देख रहे हो और आप उनसे खुश भी हो जाते हो। अगर हम या मेरे जैसा कोई बंदा वीडियो बनाता है, आपको सही से इन्फॉर्मेशन देता है, वो आपको अच्छी नहीं लगती, उसमें बोलते हो कि आपने तो पता नहीं क्या बताया है, पर वो आपको समझ में आ जाती है जो लोग आपको पॉलिश करके बता रहे हैं। मैंने यहाँ पर आपको ऑफिशियली बताया, पर इसमें भी कुछ लोग ऐसे आएंगे कि आपने तो गलत जानकारी दी है, जिसमें कि सब ऑफिशियल है, पर जो उन लोगों ने बोला है अपनी वीडियो के अंदर अपने एक्सपीरियंस से, जिसमें कि वो कहीं तक भी सही नहीं है उसके अंदर, पर फिर भी आप बोलते हो कि अच्छा है, ठीक है सर, हो जाएगा, अच्छा है, इस तरह से करके आप उनको ज़्यादा और मोटिवेट करते हो कि आप इस तरह के हमें पागल बनाते रहो। पर जो आदमी आपको सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो आपको अच्छा नहीं लगता। पर अब भी मैंने आपको जो मेरा काम था बता दिया है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। जय हिंद दोस्तों।